चिन्नास्वामी का मैदान तैयार है एक जबरदस्त मुकाबले के लिए। इस सीजन के 10वें मैच में आईपीएल इतिहास की दो पुरानी राइवल्स के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होगी तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स। ये दोनों टीमें जब भी भिड़ती है तो इन दोनों के बीच में कुछ बढ़िया मुकाबले देखने को मिलते हैं, चाहे वो बड़े स्कोर हो या फिर कुछ अनबन हो, ऐसा कुछ ना कुछ देखने को हमें ज़रूरी मिलता है। इस बार भी ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। आरसीबी की बात करें तो अपना पिछला मैच जीतकर इस मैच में उतरेगी और केकेआर की बात करें तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच जीता था। दोनों ही टीमों ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था अपने अपने, तो ऐसे में ये तो तय है कि इन दोनों के बीच में इस मैच में काफ़ी अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार इन दोनों की प्रेडिक्टेड 11 पे नज़र डाल लें। आरसीबी की बात करें तो फैफ डू प्लेसिस विराट कोहली पारी की शुरुआत करते हुए नज़र आएंगे। मिडिल ऑर्डर में पाटीदार, मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, यही हमें फिर से दिखेंगे। कार्तिक पिछला मैच आरसीबी को इन्होंने ही जिताया तो निसंदेह इस बार भी खेलते हुए नज़र आएंगे। ये आरसीबी की पारी को हर बार संभालते हैं, पिछला सीजन भी हमने देखा था, उससे पिछला भी देखा था, नीचे आके एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं तो इनका रोल काफ़ी अहम है। अगर इस प्रेडिक्टेड 11 में एक बदलाव हम देखते हैं तो वो है लॉकी फर्गसन, जो अल्ज़ारी जोसेफ की जगह आ सकते हैं। अल्ज़ारी जोसेफ के पिछले दोनों मैच काफ़ी ख़राब गए थे तो ऐसे में लॉकी फर्गसन आ सकते हैं उनकी जगह। बाकी मोहम्मद सिराज और यश दयाल, ये दोनों हमें फिर से देखेंगे। अगर केकेआर की बात करते हैं तो फिल सॉल्ट, वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, ये सारे हमें दिखेंगे। मिडल ऑर्डर में रमनदीप सिंह और आंद्रे रसल, इन दोनों ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा स्टार्ट दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। मिडल ऑर्डर में पारी को संभाला था, तेज तरार पारी खेली थी जिसके चलते कोलकाता एक बड़े स्कोर तक पहुंची थी। तो ऐसे में उम्मीद है कि इस मैच में भी ये ऐसे ही कुछ करके दिखाएंगे। मिचेल स्टार्क, सुरेश शर्मा, हर्षित राणा की गेंदबाजी पिछले मैच में काफ़ी अच्छी हुई थी तो हर्षित राणा की तरफ निगाहें होंगी कि इस मैच में वो कैसे करते हैं, आरसीबी के खिलाफ कैसी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। अब अगर फैंटेसी 11 ड्रीम टीम पर नज़र डाले तो अगर आपको विकेट कीपर चुनना है तो फिल सॉल्ट, दिनेश कार्तिक, इन दोनों का विकेट कीपर के तौर पे चुन सकते हो। ये दोनों ही काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, पिछला मैच दोनों का ही अच्छा गया था, ये दोनों आपकी टीम में बिल्कुल रहने चाहिए। अगर बल्लेबाज की बात करें तो विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, इनको आप बल्लेबाज के तौर पर अपनी टीम में ले सकते हो। विराट कोहली, फैफ डू प्लेसिस, ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में है तो इन दोनों का टीम में होना बिल्कुल बनता है। रिंकू सिंह भी अच्छी फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसा फिनिशर चाहिए जो अच्छे पॉइंट्स आपको दिला सके, ऐसे में रिंकू सिंह आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो आंद्रे रसल, मैक्सवेल, इनको आप ऑलराउंडर्स के तौर पे अपने टीम में ले सकते हो, ये अगर आपकी टीम में रहेंगे तो काफ़ी अच्छा है, आपको गेंदबाजी से भी पॉइंट्स दिला सकते हो और बल्लेबाजी से भी। बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, सुनील नारायण, ये दोनों, सुनील नारायण आप ऑलराउंडर के तौर पे ले सकते हो, इन्हें ये ऑलराउंडर के तौर पे ही खेलते दिखेंगे। पिछले मैच में केकेआर की पारी की शुरुआत की थी, कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, अगर इस बार करते हैं तो शायद कुछ अच्छा करके दिखाए। और आरसीबी के खिलाफ इनके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं तो ऐसे में ये आपकी टीम में होने चाहिए, आरसीबी के खिलाफ ये अच्छे पॉइंट्स आपको दिला सकते हैं। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, ये दोनों भी आपकी टीम में होने चाहिए। चिन्नास्वामी का मैदान है, बड़े बड़े रन बनते हैं लेकिन ये दोनों गेंदबाज आपको अच्छे विकेट निकाल के दे सकते हैं, आपको पॉइंट्स अच्छे दिला सकते हैं, ऐसे में ये दोनों आपकी टीम में बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर आपको कप्तान बनाना है तो आप विराट कोहली को अपने टीम का कप्तान बना सकते हो, विराट कोहली ने पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था इसलिए विराट कोहली एक सही कप्तान के विकल्प है। अगर आप उपकप्तान तो हर्षित राणा एक सही उपकप्तानी विकल्प है, पिछला मैच इनका अच्छा गया था, अच्छी गेंदबाजी की थी, आरसीबी के खिलाफ भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए नज़र आ सकते हैं तो आप इनको उपकप्तान चुन सकते हो। अगर आपको एक दूसरा विकल्प चुनना है तो आप आंद्रे रसल और फैफ डू प्लेसिस की तरफ जा सकते हो, आंद्रे रसल पावर हिटर, आरसीबी के खिलाफ इनके आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, जब भी आरसीबी से भिड़ते हो तो सिराज को टारगेट करते हैं, सिराज भी इनको अच्छा टारगेट करते हैं पर रसल सिराज पर ज़्यादा भारी पड़ते हैं तो आरसीबी इनको काफ़ी रास आती है, ऐसे में आप आंद्रे रसल और फैफ डू प्लेसिस की तरफ भी जा सकते हो कप्तान उपकप्तान। बाकी अगर आपको एक अच्छी ड्रीम टीम बनानी है तो ये टीम आपको ज़रूर चुननी चाहिए, ये टीम आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकती है और आप अच्छे पॉइंट्स दे सकते हो। अब अगर खेलों की प्रेडिक्शन की बात करें तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट एक बार फिर से 50 प्लस से ज़्यादा रनों की पारी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, पिछला मैच इन दोनों का ही काफ़ी अच्छा गया था, दोनों ने ही 50 से ज़्यादा रन बनाए थे। इस मैच में भी चिन्नास्वामी में मैच है, दोनों ही अच्छे खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, ऐसे में ये दोनों 50 से ज़्यादा रन बनाएंगे और ये आपकी टीम में होने भी चाहिए। फैफ डू प्लेसिस
आंद्रे रसल ये 40 से ज्यादा रन बनाएंगे। फेब डु प्लेसिस फॉर्म में, पहले मैच में दिखाया था, पिछला मैच अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस मैच में जरूर अच्छा करेंगे। रसल का पिछला मैच अच्छा गया था, आरसीबी वैसे भी उन्हें रास आती है, तो ये 40 से ज्यादा रन हमें बनाते हुए नजर आएंगे। हर्षित राणा, सिराज 3 से ज्यादा विकेट निकालते हुए नजर आ सकते हैं। सुयश शर्मा भी 2 से ज्यादा विकेट निकालेंगे। सुयश शर्मा जब पिछली बार आरसीबी से भिड़ी थी केकेआर, तो सुयश शर्मा का प्रदर्शन काफी अच्छा हुआ था, ऐसे में उम्मीद है इस बार भी वो अच्छा करेंगे, और इसलिए सुयश शर्मा 2 से ज्यादा विकेट निकालेंगे, ऐसी हमारी प्रिडिक्शन है। अगर इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम को चुनना हुआ जो जीतेगी, तो हम आरसीबी को चुनेंगे। आरसीबी क्योंकि होम एडवांटेज है, आरसीबी चिन्नास्वामी में अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है, इसलिए उम्मीद है इस बार भी आरसीबी जीतेगी। तो हमारी प्रिडिक्शन ये है आरसीबी जीतेगी। तो चलिए, हमने आपको फैंटेसी टीम, प्रेडिक्टेड 11 सब बता दिया। आप इसी फैंटेसी टीम के साथ जाके अच्छे पॉइंट्स कमा सकते हो, इसलिए इसी फैंटेसी टीम को फॉलो करिए। तो ऐसे ही बाकी तमाम अपडेट्स के लिए खेल क्रिकेट के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।